Hello my dear students, welcome back to your max class grade 2. So students, today we are going to begin with our new chapter, that is chapter number 3, subtraction. Students, subtraction means taking away. The answer tells us how much is left. So subtraction का मतलब होता है taking away. जितनी चीजें होती हैं, उनमें से थोड़ी सी चीजों को हटा देना, take away कर लेना. So जो answer आएगा ना चीजों को हटाने के बाद, so वो हमें बताएगा कि कितनी चीजें left हैं. या एक छोटा सा example दिया हुआ है dog का. Okay students, Rover has 5 bones. एक dog है, उसके पास 5 bones हैं. If we take away 2, अगर उसके पास 5 bones हैं, हमने 2 ले ली, so now उसके पास कितनी बचेंगी? 3. आप example में देख रहे हो, उसके पास पहले 1, 2, 3, 4, 5 bones हैं, उसमें से 2 हमने ले ली, right? Now उसके पास अभी कितनी है? 3. So subtraction means taking away. Subtraction मतलब चीजों को हटा देना. जितनी चीजें होती हैं उनमें से अगर हम कुछ चीजें हटा देंगे, so जो answer आएगा वो हमें बताता है कि कितनी चीजें अभी भी left है हटाने के बाद. So subtraction की sign कौन सी होती है? आपको दिख रही है ना minus की sign, screen पे है. So students, एक बार हम textbook में जो definition दी हुई है वो करेंगे. Subtraction means to take away. Subtraction का मतलब होता है चीजों को हटाना, take away करना. The answer in subtraction is called the difference. So जो भी answer आएगा ना हमें पता चलेगा कि इतना answer left है, उससे क्या बोलते हैं? Difference. जो answer आएगा उससे बोलते हैं difference. We use minus sign to denote subtraction. मैंने अभी आपको बताया था हम कौन सी साइन यूज करते हैं, माइनस. सो यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, 34 minus 11. सो आपको टी और ओ तो पता है स्टूडेंट्स, टेंस एंड वंस. सो 34, फिर जो ये माइनस की साइन है डैश जैसी, उससे बोलते हैं सबट्रैक्शन की साइन, दैट इज नोन एज माइनस. माइनस 11, सो 34 minus 11. आपको याद है ना हम लास्ट ईयर भी सबट्रैक्शन करते थे, हम हमारा सम हमेशा वंस की प्लेस से स्टार्ट करते थे. सो स्टूडेंट्स, 4 minus 1, जैसे 34 minus 11 है, पहले हम वंस में करेंगे 4 minus 1. सो अभी हम कैसे करेंगे 4 minus 1? हम जो 4 है उससे हमारे माइंड में रख देंगे एंड नीचे वाले 1 की जितनी 1 फिंगर खोलेंगे स्टूडेंट्स, इस 1 फिंगर पे हम 4 के पीछे वाले नंबर्स गिनेंगे. एडिशन में आपको याद है हम आगे जाते थे, सबट्रैक्शन में हम बैकवर्ड जाएंगे. सो 4 minus 1, 4 में से 1 हटा दिया हमने, टेक अवे कर लिया, सो 3. पहले हमने 4 को माइंड में रखा एंड 1 के लिए 1 फिंगर खोली. अब हमने इस 1 फिंगर पे 4 के पीछे वाला नंबर गिना, दैट इज 3. सो 4 माइनस 1 है 3 एंड टेंस में है 3 minus 1. सो 3 के लिए 3 माइंड में रख दो, 1 के लिए 1 फिंगर खोलो. इस 1 फिंगर पे स्टूडेंट्स 3 के पीछे वाले नंबर गिनने, 1 फिंगर पे एक नंबर कौन सा गिनोगे? 3 के पीछे वाला नंबर 2. सो 34 माइनस 11 होता है 23. सो जब हमने 34 में से 11 टेक अवे कर दिया तो कितना आंसर लेफ्ट था? 23. सो ये जो 23 है ये हमारा डिफरेंस है. सो सबट्रैक्शन मींस टू टेक अवे. सबट्रैक्शन मींस चीजों को, नंबर्स को हटा देना एंड जो आंसर आएगा उसे डिफरेंस कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं यहाँ एक साइन है, इसे हम कहते हैं माइनस की साइन. विच साइन? माइनस. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन. ये टॉपिक हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन, यहाँ 3 प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहली प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? सबट्रैक्टिंग 0. अगर हम किसी भी नंबर में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी सबट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, क्या है? व्हेन वी सबट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ.
अब आपको इसका मतलब पता है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में ही है प्रॉपर्टीज। सो व्हेन वी सबट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर, अगर हम किसी भी नंबर में से जीरो सबट्रैक्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स, सो आंसर वही का वही नंबर आएगा। आपको यहाँ दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, 23 माइनस जीरो, हमने 23 में से 0 माइनस किया, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, सो 23 माइनस 0 होता है 23। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, 59 माइनस 0, सो 59 में से 0 माइनस करेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सो 59 आंसर। प्रॉपर्टी 1 हमने सीखी सबट्रैक्टिंग 0। प्रॉपर्टी 2 है सबट्रैक्टिंग इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद को खुद से माइनस कर देना, किसको खुद से, खुद को खुद से। व्हेन वी सबट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 0। सो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हो, 99 ने अपने आप को 99 में से माइनस कर दिया, सो क्या आया आंसर, 0। नेक्स्ट एग्जांपल है 82 माइनस 82, 82 में से हमने 82 के 82 टेक अवे कर दिए, तो क्या आंसर आया, 0। उसके बाद है स्टूडेंट्स थर्ड नंबर सबट्रैक्टिंग 1। सो किसी भी नंबर में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, व्हेन वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। अब आप बोलोगे मैम बिफोर क्या था, सो बिफोर मतलब पहले वाला नंबर, सबट्रैक्शन में हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, सो 74 माइनस 1, 74 माइनस 1 हमारा एग्जांपल है, 74 में से 1 माइनस कर दो, 1 टेक अवे करो, सो एक नंबर उसके पीछे वाला 73 आएगा। नेक्स्ट है 66 माइनस 1, पहले हमारे पास 66 थिंग्स थी, हमने एक टेक अवे कर ली, सो जब भी हम किसी नंबर में से 1 माइनस करेंगे आंसर एक नंबर उसके पीछे वाला, सो 66 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 65। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे, सो थैंक यू।